So hello, what's up guys, welcome to the new episode of Outcast SMP. जी हाँ guys, वो SMP जहाँ कभी लाइफ के टंडे खत्म नहीं होते, ये होने वाला है एपिसोड 2. पता नहीं भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, और पता नहीं ये लास्ट एपिसोड के अंदर ये हमारे स्काई के साथ क्या हुआ है. जहाँ तक मेरी लास्ट एपिसोड के अंदर हमारे जो लाइब्रेरियन थे उससे बात हुई थी भाई, वो बंदे ने बोला था कि भाई एक फ्लाइंग टेम्पल है वहाँ पे, एक जैम वगैरह है, वो अगर गायब होती है या गलत हाथ में जाती है ना भाई, तो ये हाल होता है. और अभी मेरे दोस्त भी पता नहीं कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं, तो उनको ढूंढते पहले. तो हेलो 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 गाइस, भाई ये लोग कहाँ है, हेलो हेलो भाई तुम लोग क्या कर रहे हो बे. और हाँ गाइस, मैं एक्चुअली बताना भूल गया, हमारा एंड कहीं और हुआ था. लॉर्ड गेम वो पढ़ाई कर रहा है, टन टन टना टन. वाह भाई वाह, ये इनका कुछ और ही चल रहा है भाई. अरे गेमो बोल दे, मुझसे बोल दे भाई. आ गया घर में आ रहे, बाहर आ रहे, बाहर आ रहे. नीचे देखो ये भाई, ये नदी लाने का किसने बोला था? फटा पोस्टर निकला हीरो. अरे मैं बाहर लाता हूँ ना. वाह भाई सही है भाई. हेलो हेलो भाई, सुनो अब सुनो. ओ भाई अब सुनो यार, ये रेड स्काई का अब क्या करना है वो अपने को कुछ नहीं पता है. रेड स्काई का क्या सीन है मुझे, मैं आपको, तुम लोगों को, सबको बताता हूँ, क्योंकि अभी आधे पर लोगों को पता भी नहीं है कि रेड स्काई का क्या सीन है यहाँ पे. ठीक है गेमो, तू तो भाई गायब ही हो गया था, तू था कहाँ यार? पहले तू तेरा सीन बता. अरे मेरे को ये वो गॉडेस मिल गया था, मेरे को एक गॉडेस मिल गया था और उसके साथ डेट में गया. क्या क्या बोला तू? एक गॉडेस में था. हाँ हाँ एक गॉड. अरे नहीं कुछ भाई, इसका एक्चुअली नेट का कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं इसका क्या ही लफड़ा है, ये कुछ अभी से इसका कुछ ऐसा प्रॉब्लम होने लगा है. कोई बात नहीं, चल भाई अब मैं तुम लोगों घर के अंदर आऊँ, तुम लोगों को बताता हूँ रेड स्काई का क्या सीन है. तो यहाँ पे फटाफट बैठ जाओ, अच्छे से बैठ गया बैठ गया. हाँ सब बैठे हो, शांति से बैठे हो, चलो. हाँ अरे भाई इधर देखना है. हाँ ठीक है, तो भाई सुनो अब रेड यहाँ पे जो रेड स्काई है ना, अब शांति से सुन लेना यार. ये किसने घंटा बजाया? ठीक है. हाँ जो रेड्स का ये भाई, उसका सीन लफड़ा ये है, बोल दूं मैं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो. अब यहाँ पे रेड्स का लफड़ा ये सीन है कि मतलब जो रेड्स का ये है ना, वो अब अपना पूरा वर्ल्ड कर्स हो गया है. ठीक है, जिस बात का डर था वो ही हुआ है, जिस बात का डर था वो ही हुआ है. और मेरे को अभी गेमो, शायद तुझे पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, देखो शेट भाई ये क्या है. ठीक है कोई बात नहीं, सुन तेरे को पता है क्या यहाँ पे अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने वाला फ्लाइंग टेंपल जो है, वो तुझे पता है कुछ फ्लाइंग टेंपल के बारे में? नहीं तो मैं तो भाई मत गॉडेस के साथ था दो तीन दिन. ठीक है कोई बात नहीं, सुन अब तेरे को फ्लाइंग टेंपल के बारे में बताता हूँ. जो फ्लाइंग टेंपल है ना, वो एक्चुअली एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या बोलते हैं अपने, एक जैम है. ठीक है, एक मतलब डायमंड जैसा स्टोन बोल या जो बोल सकता है वो, ठीक है वो है. और वो अगर इवल एंटिटीज के हाथ में जाती है ना, तो अपना पूरा ये जो वर्ल्ड है वो पूरा कर्स हो जाता है. जैसे कि अभी हुआ है, जो वहाँ पे स्टोन था वो इवल एंटिटी के हाथ में चला गया, जिसकी वजह से उसका साइड इफेक्ट ये है कि पूरे स्काई रेड हो जाएंगे, अलग अलग टाइप के मॉब्स वगैरह स्पॉन होने लग जाएंगे. ठीक है, तो ये पूरा हाल हो गया अपने यहाँ पे. तो अब ये अभी क्या करना है भाई, वो ही तो नहीं पता है, इसको सॉल्व कैसे करना है वगैरह, वो कुछ नहीं पता है. वाईपी तेरे को कुछ पता है क्या? हेलो, उस क्वीन से मिलते भाई, मेरे को एक आइडिया सुनो. हाँ बोल सुनो. हाँ मैं क्या बोलता हूँ, सब लोग मिलके ना एक स्पेसशिप बनाते हैं और इस वॉर से चले जाते हैं. आपको पता है क्या कोई कोऑर्डिनेट वगैरह? हाँ वो अपन, एक सेकंड, तुझे कुछ अलग नहीं लग रहा है क्या? ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने टेक्नो एको को किसी ने धोया है, देख उसके वहां से खून निकल रहा है भाई. भाई तेरे को किसने मारा बोल? धोया होगा भाई ये, चलो ना पास्टल में.
अरे पार्सल में बता रही है उसको मत पूछो यार। हाँ, ठीक है, तो होगा उसको घर पे। सुन सुन टेक्नो एक है, तेरे को कहीं काम से जाना है तू जा सकता है, कोई बात नहीं है। हम लोग तीनों जाते हैं क्वीन के पास और उससे पूछते हैं। ओए चलो भाई फटाफट क्वीन को ढूंढते हैं, आ जाओ। चलो कोई ना टेक्नो भाई, ऐसा होता है ठीक है, ये होता है ठीक है। मेरे साथ क्वीन का नाम लिया और क्वीन सामने ही आ गए भाई। तुरंत महिला कौन है भाई? क्वीन है, तेरे को लास्ट में बताया तो था यार। क्वीन क्वीन हेलो, क्या यार मैं आ रहा हूँ भाई, ये बंदा कुछ और ही है। हेलो क्वीन, हेलो हेलो। अरे फूल आ जा, ए फूल का भाई, ये फूल का गया, उसने यही बोला था, ये सिर्फ शुरुआत है। सारे स्टोन को यूनिक जगह पर रखो। स्टोन को मतलब मुझे समझ नहीं आया, कौन से स्टोन, कैसे स्टोन? आपको कुछ स्टोन के बारे में पता है? मतलब मुझे नहीं पता कि स्टोन मतलब क्या है। जो स्टोन हमारे वर्ल्ड में को मेंटेन करते हैं, ओके। और क्वीन आपने बोला था कि आप लॉर्ड से मिलवाओगे, आपने मिलवाया नहीं? लॉर्ड से मुझसे बात करनी है एक्चुअली। एक सेकंड, स्टोन होता है जो तीन स्टोन के सर्वेंट है। ओके ठीक है ठीक है भाई, मतलब स्टोन ढूंढने पड़ेंगे। ओए ये पावर यूज मत करना यहाँ पे, मतलब वो तीन स्टोन। ओके मतलब भाई ओवरऑल स्टोन का फाइव स्टोन में से दो गायब, पांच स्टोन होते हैं जिसमें से दो स्टोन जो है वो स्टोन, हाँ जिसमें से दो स्टोन गायब हो गए। कौन सा वो इन्फिनिटी वाला? नहीं वेदर स्टोन, इन्फिनिटी स्टोन है क्या? नहीं देख, वेदर स्टोन और स्काई स्टोन ऐसा सब गायब हो गया। और यहाँ बिजली बहुत हो रही है भाई, वही तो है। वो तो छोड़ो, ये क्या है भाई? क्वीन अपने एक घर के अंदर जाके बात करते हैं, चल रुक जा, गिर जाऊंगा। अरे ओ क्या गिरम गिरी कर रहे हो भाई, बहुत मस्ती कर ली तुम लोग ने। ठीक है भाई, आई डोंट थिंक सो ये सेफ प्लेस है। नहीं भाई क्वीन ने बोला ये सेफ प्लेस है ना? क्वीन ये सेफ प्लेस है क्या? क्योंकि वो रेड स्काई वाला कांड भी यहाँ से ही हुआ था। भाई लॉर्ड से भाई एक्चुअली पता करना पड़ेगा यार, क्योंकि लॉर्ड का सीन अगर वो थोड़ी ही देर में आने आएंगे, वो थोड़ी देर में आएंगे तो मतलब थोड़ी देर वेट करते हैं, मुझे एक बार देखना दिखना दो फिर से। ओके ठीक है क्वीन, आप देख के आओ, आप क्वीन देख के आओ। बाय द वे यार ये जगह कितनी मस्त लग रही है ना। हाँ इधर से क्या कितना मस्त व्यू आ रहा है। वो तू देख तो सही, वहां पे फार्म कितना बड़ा है भाई, मतलब अरे अरे गिर गया रे बाबा, गिर गया। अरे अरे मेरा आंखें गया भाई, गया बहुत बढ़िया। ले भाई तेरे लिए पानी डाल, ये बहुत बढ़िया, ये मेरा पानी ग्लिच हो गया। व्हाट व्हाट ये क्या, व्हाट भाई ये कुछ भी हो रहा है? आ गया, क्या हो रहा है भाई? अचानक से कुछ पावर अनलॉक हुई मेरी, मैं अचानक से हवा में उड़ा। वाह पत, आ जाओ ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं आ गया, चलो भाई आ गया भाई, लॉर्ड लॉर्ड भाई आ गए, लॉर्ड आ गए भाई, लॉर्ड आ गए। ठीक है भाई, लॉर्ड आ गया क्या? कहाँ लॉर्ड आ गया? अरे चलो मेरे साथ। लॉर्ड कहाँ गए? अरे मेरे साथ चल। अरे कहाँ, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। अरे अंधा कहाँ पे हो आप भाई? रेड स्काई के साथ तेरी आंखें भी रेड हो गई है क्या? हो गई पता नहीं भाई, मेरा मेरे को लग रहा है चश्मा लेना पड़ेगा। कहाँ गया? मैं खो गया भाई, ये रहा मैं तेरे सामने। चलो 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 क्वीन, बेचारे क्वीन को तू राह दिखा रहा है भाई। अरे यार ये पता नहीं यार, क्वीन ये क्वीन को देखा क्या? क्वीन गायब हो गई है। अरे झाड़ू कौन मार रहा है यहाँ पे? नहीं दिखा। अरे आपने नहाया नहीं ना, आप क्या वो साफ करा कपड़े को? तेरी तो भाई कोई माइनक्राफ्ट में चंपल लेकर ये नमूने को मार दूंगा मैं, नमूना। अरे भाई क्या यार, भाई क्वीन को देखा क्या? वाईपी ये क्या कर रहा है? क्वीन कहाँ गई? हेलो ना लिया तूने? हाँ ना लिया भाई, ना लिया, निला दे भाई, निला दे तू। और यार ये कौन है, ये बंदे कहाँ जाते हो यार तुम लोगो? शिट मैन। ठीक है भाई अब सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सुनो सुनो सुनो। ए बोर्ड एक मिनट, कोई पड़े ये कौन है? ये कौन है भाई? हेलो ये कौन है? ये इंग्लिश मुंडा कौन है भाई? इनका
आर्मर अलग क्यों दिख रहा है भाई? ये बूढ़ा कौन है? क्या ये बूढ़ा कौन है भाई? पूछ तो ऐसे रहा जैसे मुझे पता होगा। अरे मार दूं क्या? बोल, गेम करके खड़ा है ये बंदे को। सिर्फ मारने की पड़ी होती है भाई, रहने दे। बोल तू। नहीं मारना, मारो दिमाग पे, मारो दिमाग। अब ये बूढ़ा तो जगह पे था। नहीं बे, ओए रुक जा। क्वीन, हेलो क्वीन। ओए उनके ऊपर नहीं मारा मैंने भाई, ऐसे नहीं करते भाई। हेलो क्वीन। अरे वो मच्छर गया था ना, एक सेकंड। क्वीन वो कौन है ये? शिट, ओके ओके ओके। हेलो, मैं बात कर सकता हूँ क्या क्वीन उनसे? क्या भाई इधर आओ, क्या भाई इधर आओ, क्या भाई इधर आओ। बोल बोल, पहले तो ये बताओ ये बुड्ढा किस किसी सिंगल से ये डॉन लग रहे हो भाई? सीरियसली नहीं पता भाई। वाईपी वाईपी, वहां मत जा, वहां मत जा, वहां मत जा, वहां मत जा, वो मार देगी वरना। रुक जा रुक जा, मेरे को हंसी आ रही है। हेलो हेलो लॉर्ड। अरे मैं फुल गिफ्ट दे रहा था। नहीं नहीं नहीं, यहां नहीं, यहां पे आ जा, यहां पे आ जा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हेलो हेलो लॉर्ड, आप सुन रहे हो क्या? कौन हो तुम सब भाई? ए नहीं 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 नहीं, हां लॉर्ड सर, आपकी एक्चुअली एक हेल्प चाहिए। बोलो। अगर आपने बाहर देखा होगा तो पूरा माहौल चेंज हो गया, पूरा रेड मून हो गया यहां। ये आर्मर उतर किंग के सामने। अरे यार मैं भूल गया, सॉरी सर, सॉरी सर। हां तो आपने बाहर, अगर आपने बाहर देखा होगा पूरा। ए शांत रहो यार, दो मिनट बात करने दो इस बच्चे को, शांत। हाँ लॉर्ड सर, वैसे रियली थैंक यू आप यहाँ पे आए टाइम निकाल के। तो मैं यूँ बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो वेदर है वो पूरा चेंज हो गया है, और मुझे आपका एक लाइब्रेरियन था उसने बताया था कि यहाँ पे एक फ्लाइंग टेम्पल है जहाँ पे एक जैम है, अगर वो गायब होता है तो क्या बोलते हैं अपने, ये पूरा ऐसा माहौल हो जाता है अगर वो गलत हाथ में जाता है। तो इसका कुछ सॉल्व करने का कुछ तरीका हो सकता है। और दूसरी बात कि मेरा एक दोस्त है, उसका एक एंटिटी ने काबू में कर लिया है, तो मुझे उसको भी ठीक करना है। तो आपको शायद से कुछ पता हो। तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर है कि वो जैम वहाँ से गायब हो चुका है, तो तुमको वो जैम जाके उधर फिर से लगाना पड़ेगा। पर सर हमें नहीं पता कि वो जैम क्या है, कैसा दिखता है और कहाँ पे है। वो जैम एक रेड कलर का है। ओके, तो फिर उसके बाद ये सब ठीक हो जाएगा? वो जैम तुमने उधर लगा दिया तो सब ठीक हो जाएगा। और अगर वो जैम हमें मिला ही नहीं, तो अगर वो एंटिटी के पास है और वो मिला ही नहीं, तो ये वर्ल्ड धीरे धीरे कर्स होना शुरू हो जाएगा। ओके, और मेरा अगर दोस्त, मेरा जो दोस्त है उसको एक एंटिटी, कुछ उसका नाम आई थिंक नाइटमेयर करके एंटिटी है, उसने उसको काबू में कर लिया है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? मेरा लाइब्रेरियन है, वो तुम्हें एक पोर्शन ऑफ मेमोरी देगा। ओके, तुम्हें जैसे ही चांस मिलता है उसके ऊपर लगना चाहिए, तुम्हारे पास एक ही चांस होगा सिर्फ। ठीक है, अगर वो उसके ऊपर लगा तो उसको 50% चांसेस है कि उसको ये सब याद हो जाएगा। ओके, तो सर आप हमारी हेल्प नहीं कर सकते उन एंटिटीज को हराने में? आपने मतलब कैसे हराया उन लोगों को? उनका कमजोरी डायमंड है। मुझे वो हीरो स्वॉर्ड वापस लानी होगी। उसमें ना एक लेक है जो स्किन को प्यार करती है, तो तुम्हारे हीरो ब्रांड उधर जाएगा और उस पानी में जाएगा तो इसका स्किन 50% चांसेस तो है कि ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू लॉर्ड, बहुत ज्यादा शुक्रिया। अपन हम लोग क्या यहाँ पे रह सकते हैं क्या? नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो लॉर्ड हम कहाँ जाएंगे? हमारा पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो गया। अगर तुम यहाँ रहे, अगर तुम यहाँ रहे तो एंटिटीज हमारे इस किंगडम को फोड़ देंगे। पर क्या किंग, आप तो इतने स्ट्रांग हो, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो ना। देखो एक टाइम ऐसा था कि हम जहाँ रह रहे थे हाँ, करके सारे लोगों को उन एंटिटीज ने पत्थर का बना दिया था। ओके ठीक है लॉर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हेल्प कर दी, रियली थैंक यू। तो मतलब ये लो, ये तुम्हारे काम आएगा। क्या काम आएगा? अरे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। आपको कभी भी हेल्प चाहिए मुझे याद करना, मेरा नाम किया है, आप क्वीन से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू लॉर्ड, बहुत बहुत थैंक यू। तुमने स्वॉर्ड दिया उसको? स्वॉर्ड दिया? नहीं, स्वॉर्ड नहीं मिला। ठीक है ठीक है, उसको दे देना। थैंक यू लॉर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू। भाई वो गायब हो गया, भाई वो बंदा गायब हो गया सामने से। हैं वो गायब हो गया? ओए इधर से गायब हो गया। पानी डाला है, आजा यार, है पानी डाला है, आजा। नहीं हम लोग अब यार रह नहीं सकते ना भाई, अरे पानी है, जाना पड़ेगा इधर, वो जाना पड़ेगा यार। अरे क्वीन जाओगे क्या हमारे साथ? अरे क्वीन को भी लेके चलते हैं ना भाई, तू पागल है क्या? पहले बाहर चले, वही सोचा था मेरे को डैमेज क्यों आया। हां चलो ठीक है, बाहर चलते हैं, अब मैं तो उड़ के जा रहा हूँ भाई। ये सुन अबे यार, मैं कैसे जाऊंगा? तुम दो किसोर जा रहे हो तो बता। मैं स्ट्रेट ही जा रहा हूँ भाई, हमको भी उड़ने वाला। अरे हाँ हाँ जा रहा हूँ मैं भाई। हेलो सुनो 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 भाई, ये गलती से मेरे से हो गया, अब क्या बोलेंगे इन लोगों को? पता बहुत ऐसा ऐसा वो ऐसा करके चला गया, अरे भगा दिया। क्वीन अल्फा आया था, हम लोग ने उसको भगा दिया। वो अल्फा नहीं, क्या था? क्वीन
अरे यार अरे अल्फा 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 ने किया था, ने भाई अल्फा ने किया है, अल्फा ने किया है, क्वीन या अल्फा ने किया है। अल्फा जब आता है तब लॉर्ड को पता चल जाएगा। नहीं बोलते इसको क्या हाँ बोलते, हमारे में यार ये इसको मैं यूं ऐसे मारूंगा तो ये प्यार है हमारा, ये बस ये ये ऐसे प्यार मारते है, ना ये ये ऐसे प्यार मारता है हूँ ना, ये हमारा। प्यार। ये कौन चाचा जी है, ये नए आ गए? तो ये कौन है? अरे 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 ये तो वो है, ये तो वो है। हाँ ये तो विजार्ड है। अरे इसको आज की बीवी से पिटाई पड़ी भाई, इसको आज तो भी बीवी तेरे से को पिटाई पड़ी। देखो ये देख मुंह फुला रहे बेचारा। नमूने, ये दूसरा है। मारो जाओ लॉर्ड, मारो उसको, अच्छा मारो लॉर्ड। मजाक करो नरजी, मजाक करो, मत मारो मत मारो, भाई मजाक करो। मारो लॉर्ड, मारो लॉर्ड, मारो मैंने उसको, बोला मारो हमारा वाला है लॉर्ड, मार भाई, हमारा वाला वो नहीं। क्वीन का सॉरी छाड़ लॉर्ड, दो। हाँ सॉरी लॉर्ड, रियली सॉरी लॉर्ड। लॉर्ड क्या हुआ लॉर्ड, चमड़ी क्या हुआ लॉर्ड? वो इधर का लॉर्ड विजर्ड है, उसके पास बहुत नॉलेज है। ओके तो वो मेरे को लगा हमारा वाला विजार्ड है, सब चीज पता लॉर्ड, मेरे को हेलो लगा हमारा वाला हेलो विजार्ड है। लॉर्ड, हेलो लॉर्ड, हेलो लॉर्ड, हेलो लॉर्ड वाले विजार्ड, हेलो लॉर्ड हेलो, वाले विजार्ड। मारो लॉर्ड, मारो लॉर्ड, नहीं सही है, मारो नहीं लॉर्ड, सही है, नहीं सही है, नहीं मारो सही है, उसको, नहीं सही है, मारो नहीं सही है, उसके अंदर नहीं सही है। हम लोग जा, हम मारो लोग बना उसको, लेंगे, हम लोग बना लेंगे, हम लोग बना लेंगे। चलो चलो चलते हैं, बना लेते हैं। तो गाइस अब मैं इनसे बात करके मिलता हूँ कुछ ही देर के अंदर, बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्या बोलना चाहते हैं क्या नहीं। मैं फटाफट बात करता हूँ, मिलते कुछ देर के अंदर। अरे यार यार झगड़ना बंद करो यार, तुम लोग क्या झगड़ रहे हो भाई? अरे मेरे को छुड़ैल, आई मीन ये सुंदर लड़का, मतलब सुंदर क्वीन मार रहे हैं मेरे को, क्या बोलो अभी। मैं तो देखो कहूँ देखो फिर जब आ रहे हैं मेरे को। हाँ भाई लैग हो गया क्या यहाँ पे, मेरा लैग हो रहा है भाई। हेलो 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 हेलो, अरे अरे यार भाई, बोल। अरे मेरे को पिछवाड़ा दिख रहा है क्या आपको? अरे हाँ दिख रहा है, ला मैं साफ कर देता हूँ अरे वो क्वीन ने मार मार के फिरा भाई, लाल भाई साहब। कर दिया। ओए ये कौन बताओ है भाई? ये कौन है? अच्छा ये वो लाइब्रेरियन है, मेरे को ऐसा लग रहा है तुम वो अच्छा लाइब्रेरी, वो हाँ वो लाइब्रेरियन है भाई, तुम लाइब्रेरियन हो ना? 30 दिन, अरे 30 दिन वाली बुक हो ना लाइब्रेरी। ठीक है भाई, चलो तो फिर यहाँ से भाई। है क्यों क्यों तू तो सबसे मार खाने वाला काम क्यों करता है? अरे यार मैं सच्ची बात बताता हूँ, ये तो भाई बात है यार, बच्चे ठीक है लाइब्रेरियन, तो आप हमारे साथ रहने वाले हो? ओके भाई ठीक है, तो फिर चलो यहाँ से चलते हैं भाई।